भुवस्वः तत्सवितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जब भी हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तब ओम का उच्चारण करते हैं। अवधातु से मन प्रत्यय करके अवतरटी लोपश्य ओम शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृत में कोई भी शब्द होता है तो धातु और प्रत्यय के द्वारा उस शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो अव एक धातु है और उससे मन प्रत्यय करके टीलोप हो करके मन का और ओम शब्द बनता है। अवरक्षण गति कांति प्रीति तिप्ति ऐसे अवधातु की कई अर्थ हैं। कोई भी शब्द सार्थक होता है। हर एक भाषा में नामों की एक परंपरा होती है। हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, अरबी में, हर एक भाषा में उसका क्या अर्थ है उसकी एक प्रक्रिया है। तो ओम शब्द का अर्थ है अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण सामर्थ्य। ऐसे बहुत से अर्थ बताए गए उसके। इसका मुख्य अर्थ है ओम माने जो सर्वरक्षक है। जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अजर अमर नित्य अविनाशी है, जो सर्वकर्ता नियंता संघर्ता है, जो सर्वगुण संपन्न है, वह ओम है। क्या बोला? जो सर्वगुण संपन्न है। इस संपूर्ण अस्तित्व में, इस कंप्लीट एग्जिस्टेंस में तीन ही तत्व हैं, तीन ही सत्य हैं, तीन ही पदार्थ हैं। एक परमात्मा जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। दूसरे हम आत्माएं हैं और तीसरा ये जो दुख दिख रहा है सब कुछ, इसको प्रकृति कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो सब कुछ बनाने वाला है वो परमात्मा, और जिन तत्वों से इस सब कुछ को बनाता है वो प्रकृति, और जिसके लिए बनाता है वो आत्मा। तो तीन बात समझ में आ गई। सबको जो बनाता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा। क्या आप सबको जान सकते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में किस समय कहाँ क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या होगा? अतीत वर्तमान और भविष्य का सब कुछ आप क्या जान सकते हो? क्या सर्वज्ञ हो? बोलो। आप सर्वज्ञ तो नहीं हो सकते। बहुत कुछ जानने वाले तो हो सकते हो आप। वैसे इसकी भी सीमाएं हैं। व्यक्ति में कितनी ज्ञान शक्ति है, यद्यपि इसका पूरा मूल्यांकन हम नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हम सर्वज्ञ नहीं हैं। हम बहुत कुछ जान सकते हैं। एक साथ मैथमेटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, एक साथ हम 10-20 विषयों का ज्ञान तो रख सकते हैं, लेकिन हम सर्वज्ञ बोलो
नहीं हो सकते, कोई हो तो बता दो, धरती पर आज तक तो कोई हुआ नहीं। क्या आप सर्वशक्तिमान हो? क्या आप चाहो तो सूर्य का उगना और छुपना, सूर्य के उदय और अस्त को तुम आप क्या नियंत्रित कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या इस धरती की गति को नियंत्रित कर सकते हो? नहीं कर सकते। सर्वशक्तिमान तो बहुत बड़ा शब्द है। क्या धूल का एक कण बना सकते हो? नहीं बना सकते। धूल के कणों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा भवन बना सकते हो, 100 मंजिल, 500 मंजिल, हो सकता आगे 1000 मंजिल भी इमारतें बन जाएं, कोई आश्चर्य नहीं। धूल के कणों को इकट्ठा तो कर सकते हो, उनसे ईंट बना सकते हो, उनसे बड़े बड़े भवन बना सकते हो, परमाणुओं को इकट्ठा करके उससे परमाणु बम बना सकते हो, और उससे सारी धरती में विध्वंस भी पहले फैला सकते हो। बना नहीं सकते। धूल का एक कण नहीं बना सकते, मिट्टी का एक कण। आप खून की एक बूंद नहीं बना सकते। दो चीजों को मिलाकर के रिएक्शन से तीसरी चीज बन सकती है, लेकिन वो मूल तत्व नहीं बना सकते आप। सृष्टि के मूल तत्व आप नहीं बना सकते। जैसे आपको पानी बनाना हो तो दो गैसें मिला दो, कितनी मात्रा में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कितनी मात्रा में? दो कण किसके लोगे? हाइड्रोजन के, H2O, इसलिए बोलते हैं H2, उसका दो भाग O, ऑक्सीजन। लेकिन आप ऑक्सीजन नहीं बना सकते, हाइड्रोजन नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते, मूल तत्व नहीं बना सकते। आप कहेंगे हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन बना देंगे, या हम ऑक्सीजन को और दूसरे स्रोतों से भी कलेक्ट कर लेंगे, रिएक्शन करके बना लेंगे, मूल तत्व तो नहीं बना सकते। और कुछ चीजें तो बना ही नहीं सकते, जैसे अब बताओ, गाय घास खाती है कैसा? हरा। और दूध कैसा देती है? उसकी कलरिंग कैसे होती है? इतना जबरदस्त पेंट तो कोई हो ही नहीं सकता, और वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो 100% ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल है। ये बाहर जो पेंट बनाते हैं इसमें तो बहुत भयंकर कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर कारक होते हैं सब पेंट आदि। और आप हरी सब्जियां खाते हो उससे लाल खून बन जाता है, उसको भी बनता है हीमोग्लोबिन, लेकिन वो उस हरी घास से दूध बनाती है, उसकी उसका मैकेनिज्म परमात्मा ने ऐसे सेट किया है। हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम सर्वव्यापक भी एक स्थान पर यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ, अब अमेरिका में थोड़ी बैठ हम हैं, अभी हम I am here, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी अमेरिका में नहीं हूँ, मैं अभी दिल्ली मुंबई में नहीं हूँ, मैं अभी हिमालय में नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ हूँ, मेरी एक सीमा है, मैं असीम नहीं हूँ। प्रभु असीम है, अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। आपको पता था आप किस घर में बेटी के रूप में पैदा होगी? आपको पता था आप किस पिता की संतान होगे? और कौन मेल होगा, कौन फीमेल होगा, कौन स्त्री होगा, कौन पुरुष होगा, किसी को नहीं पता। वैसे स्त्री और पुरुष दोनों होना ही बहुत गौरव की बात है, और हो सकता है हमारे भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन स्त्री और पुरुष में स्त्री होना ज़्यादा गौरव की बात है। क्यों? क्योंकि एक माँ ही
किसी भी स्त्री या पुरुष को, लड़का या लड़की को, मेल फीमेल को जन्म देती है, अर्थात पुरुष को पैदा करने वाली भी माँ होती है। यद्यपि पुरुष की भी एक भूमिका होती है, लेकिन बहुत थोड़ी सी, 1% भूमिका पुरुष की होती है, क्योंकि स्त्री बीज और पुरुष बीज, स्पर्म ओवम मिलकर के हमारा अस्तित्व बनता है। लेकिन पिता मात्र एक बीजारोपण करता है और फिर पूरे जीवन को बनाने और संवारने का काम माँ करती है, ज्ञान में, संवेदनाओं में, सद्गुणों में, सामर्थ्य में, किसी भी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य हो। माँ बहन बेटियाँ पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। तो फिर ये पहले ना बहनों के अंदर ऐसा एक बीज डाल दिया कि कोई बहुत ऊंचा कर्म करे तो पुरुष बनता है, थोड़ा उससे नीचे वाला हो तो स्त्री बनता है, और फिर कुछ डिफेक्ट रह जाए तो किन्नर बनता है। वैसे तो सोल इज एवरीवेयर इक्वल, आत्मा तो सब जगह एक ही समान है, स्त्री हो या पुरुष हो। ये जो संज्ञाएं हैं, ये जो नाम दिए गए हैं, ये तो खाली शरीर भेद के आधार पर है, आत्मा भेद के आधार पर नहीं, शक्ति के भेद के आधार पर नहीं है। संवेदनाओं, लव, कंपैशन, डिविनिटी, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, दिव्यता, ये जो गुण हैं, ये तो सब एक समान है। शक्ति एक समान है, सद्गुण सद्भाव एक समान है, तीन ही प्रकार की हमारे पास शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति, एक भाव शक्ति, एक कर्म शक्ति, तीनों में समान है हम सब। और मनुष्य इसमें सबसे महान इसलिए है कि मनुष्य इस सृष्टि में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। पशु में एक सीमित सामर्थ्य है, और यद्यपि स्वाभाविक ज्ञान हमसे ज्यादा उनमें होते हैं, स्वाभाविक गुण, स्वाभाविक सामर्थ्य, जैसे किसी भी पशु को खाने पीने के बारे में ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो शाकाहारी हैं शाकाहारी, जो मांसाहारी मांसाहारी, जो उभयाहारी हैं वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, उनको संतति उत्पत्ति के लिए कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जितने भी यौन व्यवहार हैं उनको, उनके लिए ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, वो एकदम प्रकृति का पालन करते हैं, उनको चलने उठने बैठने दौड़ने तैरने के लिए ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। आदमी कितना ही बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, कितना ही बड़ा देश का राजा बन जाए, कोई कितना ही बड़ा योगी बन जाए, तैरना नहीं आएगा और पानी थोड़ा जोर से आएगा तो डूब के मर जाएगा। लेकिन चींटी से लेकर के, चूहे से लेकर के, खरगोश और बिल्ली से लेकर के, शेर हाथी तक, सबको क्या आता है, तैरना आता है। हमसे ज़्यादा गुण है उनमें, स्वाभाविक गुण हमसे ज़्यादा है। तो एक है परमात्मा भगवान, हम इसलिए भगवान को मानते हैं क्योंकि एक छोटा सा क्रिएशन बिना क्रिएटर के नहीं होता। ये पैन किसी ने बनाया है, अपने आप बन गया, बोलो। इसके लिए मैकेनिज्म सेट किया, इसके लिए सांचे बनाए, मशीनें बनाई, उसके अंदर प्लास्टिक डालते हैं, ऑटोमेटिक बाहर निकल सकता है, लेकिन बिना बनाए पैन नहीं बनता, बिना बनाए घड़ी नहीं बनती। जब पैन घड़ी जैसी छोटी छोटी चीज़ें, एक मोटरसाइकिल से लेकर के एरोप्लेन और सैटेलाइट जैसी चीज़ें बिना बनाई नहीं बनती, तो इतना बड़ा यूनिवर्स, ये सारा यूनिवर्स किस में टिका हुआ है, किस में लटका हुआ है, स्पेस में। किस में लटका हुआ है, स्पेस, आकाश में।
फिर कहती किसके बल लटका हुआ है, बोलो गुरुत्वाकर्षण। तो ये ग्रेविटी का जो सिद्धांत है ये तो बाद में बना होगा ना, ये पहले लटका है कैसे इतने बड़े ब्रह्मांड में, और कितना बड़ा इसका दायरा है आज तक कोई माप नहीं सका है कि इस ब्रह्मांड का क्षोर क्या है। पृथ्वी का तो क्षोर माप लिया कि इस पृथ्वी का व्यास कितना है, इसकी गहराई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सब पता लगा लिया, लेकिन आज तक इस ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सौरमंडल हैं, कितना इसका विस्तार है, कोई कहता है इसमें हजारों, कोई कहता है लाखों, कोई कहता है करोड़ों सौरमंडल हैं इस पूरे यूनिवर्स में, और बहुत व्यवस्थित चल रहा है सब कुछ। अलग अलग ऋतुएं आती हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, अलग अलग प्रकार के इसमें चहल पहल है, अलग अलग प्रकार के इसमें वनस्पतियाँ औषधियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, थलचर नभचर जलचर, और उनके सबके डिजाइन अलग अलग हैं, और उसमें सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, ये तो सबको पता है। ये सारी रचना बिना रचयिता के हो नहीं सकती, तो वो है, एक बात तो है, फिर उसका दूसरी बात है उसको मानने से अपना क्या लाभ है, वो दूसरी बात है। तो एक है परमात्मा और हम सब क्या है बोलो, आत्मा ही है, और ये शरीर हमारा साधन है, ये छुटता रहता है फिर नया मिलता रहता है, पूर्व जन्म भी है पुनर्जन्म भी है, और इस पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के अलावा भी क्या और सत्य की खोज की हमारे ऋषियों ने, उसका नाम मोक्ष है। क्या नाम है उसका? मोक्ष। मोक्ष माने पूर्णता की प्राप्ति। इस मनुष्य के जीवन का भी एक सबसे बड़ा प्रयोजन है पूर्णता की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति बोलो? पूर्णता की प्राप्ति। ये जीवन के विकास के क्रम है। जब मनुष्य को कहते जब इसको सिखाया गया, मानव के विकास का क्रम जब हमें पढ़ाते हैं, खैर एक तो डार्विन का सिद्धांत तो अब वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर गलत साबित हो चुका है। मनुष्य एक यूनिक क्रिएशन है, और वो कभी भी अमीबा से बंदर और बंदर से आदमी बनने वाली प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। अभी भी अमीबा है, अभी भी बंदर है, वो बंदर कितना ही उसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कोई करके दिखा दे, और एक भी बंदर को आदमी बना के दिखा दे, हम मान लेंगे कि डार्विन सच्चा था। ये तो कोई भी थ्योरी लोग गढ़ देते अभी भी करोड़ों अरबों खरबों अमीबा घूम रहे हैं, उनसे फिर जो है बंदर अलग प्रजाति है, अमीबा अलग प्रजाति है, और मनुष्य अलग प्रजाति है, और इन सब के गुण अलग अलग हैं। खैर, परमात्मा, हम सब आत्माएं हैं, और ये सब दृश्य जो है ये प्रकृति है। हमारे साथ भी शरीर लगा हुआ है, ये हमारा साधन है, इंद्रियां हैं, पंच तत्व हैं, फाइव एलिमेंट्स हैं, जिससे बॉडी और यूनिवर्स फॉर्म होता है, बनता है, ये सत्य, इसमें तो कोई बहुत अब लंबी चौड़ी बात नहीं रही है। पांच ज्ञानेन्द्रियां जिससे हम जानते हैं, पंच कर्मेंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं, अंतःकरण चतुष्टय है मन के स्तर पर जो अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां चलती हैं, और शरीर इंद्रिय और मन से भी पार एक तत्व है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसके रहते हुए ये शरीर ये इंद्रियां ये मन काम करते हैं, और जिसके जाते ये सब ठप पड़ जाता है, खोखा खा खोखा रह जाता है, खाली खोल खोल बच जाता है। एक समय ऐसा आता है जब बॉडी ठीक है, लीवर किडनी हार्ट ब्रेन सब कुछ ठीक है, और एक इसमें से कोई एक अननोन चीज निकल गई, एक इनविजिबल चीज निकल गई, और उसके निकलने के बाद आंखें देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, दिमाग है ये इसमें कितना ही पढ़ा लिखा हो दिमाग भी नहीं काम करता, जुबान है कि बोलती नहीं, हार्ट है कि धड़कता नहीं, लीवर किडनी है कि सारे फंक्शन बंद हो गए। क्या हो गया? बोलो डेथ होगी। कैसे? मृत्यु क्या है? बोले इसमें सांस रुक गए। क्यों रुक गए ये नहीं पता। जब पूरा फंक्शन ठीक है, लीवर किडनी हार्ट ब्रेन एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, तब कोई तत्व तो है जो निकल गया। अब उसको कोई आत्मा कहता है, कोई इसको रूह कहता है, कोई इसको सोल कहता है, कोई इसको एनर्जी कहता है, कोई तो है।
और ये सब प्रकृति है ही जो दिख रहा है, अपने अंदर भी और ये सब बाहर भी। अब इसमें से एक और बड़ी बात अपने ऋषियों ने खोजी, ये सब कुछ दिख रहा है, और मैंने कहा इस क्रिएशन के पीछे क्रिएटर भी है, उसको देखना ये सही दृष्टि है। क्रिएशन के पीछे क्रिएटर को देखना यह तत्व दृष्टि, यह तात्विक दृष्टि, यह दार्शनिक दृष्टि, यह सत्य दृष्टि, यह पूर्ण दृष्टि, यह दिव्य दृष्टि। किसके पीछे किसको देखना बोलो? क्रिएशन के पीछे क्रिएटर को देखना। सारी रचना के पीछे रचयिता को देखना, सृष्टि के पीछे सृष्टिकर्ता को देखना, ब्रह्मांड के पीछे ब्रह्म को देखना। मेरे साथ मिलकर के बोलो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् वासुदेवः सर्वं ईशावास्यम् इदं सर्वं ओं सर्वं खलु इदं ब्रह्म ब्रह्मैव इदं अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वं इदं वरिष्ठं। एक सबसे बड़ा तत्व है, उसी को ब्रह्म तत्व कहा है, परब्रह्म कहा है, परमात्मा कहा है, ईश्वर कहा है, खुदा कहा, अल्लाह कहा। उसको ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, अकाल पुरुष, जो भी नाम दो, एक तत्व है, वो परमात्मा है। तो ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए, ऐसा अभ्यास हमारा हो जाए, ऐसी अनुभूति हमारी बन जाए कि सारी सृष्टि के पीछे उस सृष्टिकर्ता को, इस क्रिएशन के पीछे उस क्रिएटर को हम अनुभव कर सके, यही है भगवान का दर्शन। क्या है ये भगवान का? तो आपको भगवान का दर्शन भी करा दिया। तो अब जिस किसी को भी देखो, स्त्री को देखो, पुरुष को देखो, माँ को देखो, पिता को देखो, गुरु को देखो, शिष्य को देखो, मनुष्य को देखो, मनुष्यतर जीव जगत को देखो, जड़ चेतन को देखो, सबके पीछे एक ब्रह्म दिखना चाहिए। एकत्वम अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येकनीदम्। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषम्। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। ऐसे एक तत्व है वो ब्रह्म तत्व। ये तो दर्शन हो गया भगवान का, द्योलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, सब में उसी को। और विराट रूप में देखो तो द्योलोक उसका सिर है, अंतरिक्ष लोक उसका उदर है, पृथ्वी लोक उसके पैर है। यस्य भूमि प्रमांतरिक्ष मतोदरम दिवम यश क्रिमूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हम भगवान को मानते हैं क्योंकि है, इसलिए मानते हैं। अब कोई कहे मैं तो नहीं मानता, ये तो मर्जी है भाई। कोई अपने बाप को बाप ना माने, अब कोई जबरदस्ती थोड़ी है इसमें। कोई अपनी माँ को माँ नहीं माने, कोई गधा को गधा नहीं माने, गाय को गाय नहीं माने, भैंस को भैंस नहीं माने, उल्टा पुल्टा माने, भैंस को गाय कहे, गाय को भैंस के, बोले मैं तो ऐसे ही मानूंगा। भाई मान ले भैया, अभी इसमें क्या करें, लेकिन है तो नहीं। भेड़ को बकरी, बकरी को भेड़ कहे, ऐसे तो नहीं होता है ना, जो होता है वो होता है। अब कोई कहे कि मैं नीम को कड़वा नहीं मानता, बोले भाई वो कड़वा होता है, खा के देख, बोले खाता भी नहीं मानता भी नहीं, और खाके भी बोलूंगा मैं तो कड़वे को मीठा बोलूंगा, बताओ उसको क्या कर ले कोई। जो जैसा हो उसको वैसा मानना तो चाहिए ना। अब जब हम सबको पता है कि ये जीवन, चाहे कोई कितना ही बड़ा बादशाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या वो पुतिन हो, इनका भी एक ऊपर बाप है जो सबको चला रहा है।
कोई कितना ही बड़ा शासन अध्यक्ष हो, कोई कितना ही बड़ा रूलर हो, कोई कितना बड़ा योगी सन्यासी हो, इन सबके ऊपर भी एक ताकत है। जिस दिन वो अपनी शक्ति खींच लेता है ना, तब फिर उम्बायुर नीलम अमृतमथी दम भस्मांतम शरीरम राम नाम सत्य।